बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, चेन्नई सुपर किंग्स के किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2020 से अपना नाम वापस ले लिया है? ए हरभजन सिंह, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी विराट कोहली या डी राहुल द्रविड़। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर डीआईजी सुजीत कुमार ने तीनों जिलों के पुलिस कप्तान के साथ बैठक की। डीआईजी सुजीत कुमार ने शुक्रवार को रेंज के तीनों जिलों के पुलिस कप्तान के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। डीआईजी ने जिलावार भागलपुर, बांका और नवगछिया में चुनाव की तैयारियों का रिव्यू किया। वहीं मौके पर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। आज बहुत मूलतः आज जो है हम लोगों ने चुनाव से संबंधित जो तैयारियां हैं पुलिस की, उस संबंध में बैठक जिले के पुलिस अधीक्षक, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक जो इस रेंज में हैं उनके साथ की, और उनकी तैयारियां कैसी हैं, चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा सके इसके लिए जो भी तैयारियाँ आवश्यक हैं उसकी समीक्षा की गई। बलों के रहने के लिए आवासन की क्या व्यवस्था की जा रही है, केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति भी होगी इस बार के चुनाव में और उनकी संख्या भी अधिक होगी, इस कारण से उनके आवासन की क्या व्यवस्था है, वाहनों की आवश्यकता होगी, वाहनों की व्यवस्था क्या की गई है, पुलिस केंद्र में चुनाव से संबंधित जो कोषांग बनाए गए हैं सब वो बने हैं नहीं बने हैं, स्थानांतरण के बहुत सारे आदेश जो पुलिस मुख्यालय एवं इस कार्यालय से भी निर्गत किए गए हैं उनका अनुपालन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके अलावा जो भी चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने वाले लोग हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है, निरोधात्मक जो भी कार्रवाई अपेक्षित है वो हो रही है या नहीं हो रही है, CCA के तहत प्रस्ताव समर्पित किया जाना है उस पर क्या प्रगति हुई है, जो वारंट कुर्की का निष्पादन है उसमें क्या हुआ है, और शराब इत्यादि में पूर्व में जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं, पूर्व के केसेस में चार्जशीटेड रहे हैं, विशेषकर माफिया तत्व जो हैं, शराब बिकवाने वाले जो लोग हैं जो बेचते हुए। भागलपुर, सरकार तीन तलाक पर रोक लगाने की बात कह अपनी पीठ थपथपा रही है, पर जमीनी हकीकत यह है कि आज भी कई जगह विवाहिता पर अत्याचार लगातार जारी है और पति अपनी पत्नी को तीन तलाक देकर छोड़ रहे हैं। भागलपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है, सजौर थाना क्षेत्र के राधानगर में एक पति मोहम्मद रब्बानी अंसारी ने अपनी पत्नी को तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया और दूसरी शादी कर दी है। आपको बता दें कि महिला के शादी के 3 महीने बाद ही महिला को तलाक दे दिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर महिला को तलाक दिया गया है। वहीं महिला आवेदन लेकर भागलपुर DIG सुजीत कुमार के पास पहुंचकर फरियाद लगाई। वहाँ जा करके उसको बोला है कि लेने के लिए नहीं गया, वहीं रहा 8 महीना रहा, फिर हम बोले कि क्यों नहीं लेने के लिए आ रहे हो, तो हमको पसंद नहीं है, मेरा दिल में खुशी नहीं है, हम दूसरा शादी करेंगे। तो हम बोला कि जब दूसरा शादी करोगे तुम 5 आदमी लेकर के आओ, जो मन में होगा वो फैसला कर दीजिएगा, तो हम ज़िंदगी में तुम्हारे यहाँ कभी नहीं जाएंगे, ज़िंदगी में हम तुम्हारे यहाँ कभी नहीं जाएंगे, हम दूसरा शादी करेंगे। तो कहे ठीक है, नहीं आइएगा। तो हम बोला कि अभी गुस्से से बोल रहा है छोड़ दें,
तो 8 महीने के बाद वो शादी करने लगा। तो हमको मालूम चला कि पुरैनी में शादी हो रहा। हम लड़की के घर पे गए तो उसको अब्बा को बोले कि मेरे मेरे बेटी का साथ ऐसा ऐसा घटना है, इसको सोल पे होने दीजिए तब तुम शादी करिएगा। ये ठीक है, हम इसको सोल पे होने देंगे तब करेंगे। तो 1 महीना वो बैठ गया। और फिर 2 तारीख को परसों फिर निकल रात में 1 बजे रात में दुल्हन लेकर के आया। और कल दूसरे रोज फिर बलिमा में भोज करिस, बाजा उजा सबके साथ, हाँ सबके साथ भोज करिस। और अभी लड़का ससुराल में है, बोलता सबको उठा, हाँ सबको उठा लेंगे घर पे से, केस उठाइए, धमकी दल बता मार देंगे। हाँ ऐसा मांगता था कि 1 लाख लाइए अब्बा के यहाँ से, तब रखेंगे तुमको। इतना दहेज तो हमको देता है, ये दहेज कौन सी है? और हमको दहेज चाहिए तो हम कहाँ से देंगे? 4 लाख खर्चा किए, 3-4 लाख कर्जा लिए, अब हम कहाँ से देंगे? अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि मेरी बेटी बढ़िया से रहे, लेकिन वो शादी कर ली उसको तलाक दे तब हम मेरी बेटी रहेगी। एक पे नहीं रह सकी, दूसरा पे कैसे रहेगी? क्या नाम है? मेरा रुखसाना। और रखने के लिए नहीं चाह रहा था, दूसरा बोल रहा था शादी करेंगे तुमको, नहीं रखेंगे, एक बाल बच्ची भी हो जाएगा तुमको तलाक दे देंगे, 1 लाख रुपया पैसा आना तब तुमको रखेंगे। ऐसा कौन कहता? मेरा पति मोहम्मद रब्बानी अंसारी। कब शादी हुई थी आपकी? 2 तारीख ऐसे साल बता दीजिए। 2019 में हुआ था। कितने दिन रहे उनके साथ? 3 महीने। इसके बाद क्या कह के आपको भगा दिया? उनको भगा दिया, नहीं रखेंगे, माँ बाप को तुम बोल दो उनको छोड़ देंगे, एक बाल बच्ची भी हो जाएगी तुमको नहीं रखेंगे। किस वजह से, क्यों भगाया? दूसरी लड़की से फंसी हुई थी इसी कारण से, बोल रहा था तुमको नहीं रखेंगे, कभी नहीं रखेंगे। मारपीट भी? हाँ मारा था भी, हमको ताबीज भी दिस था, बोलता था तुम्हारा गले दाब देंगे मारने पीटने। दूसरे लड़के से बात करने के लिए बोलता था, हम बोले हम नहीं बात करेंगे। क्या क्या दूसरे लड़के से? दूसरे लड़का बात करने के लिए बोलता था, हम बोले हम नहीं करेंगे कभी, बोलता था दूसरे लड़के से बात करेगी तब तुमको अच्छे से रख भैया। हम बोले हम कुम्हारे में बात नहीं किए थे, अभी कौन सी शादी होगी, हम कभी नहीं करेंगे। बोलता था रात में नानी कन भाग के चली जाए, हम बोले नहीं हम जाएंगे भाग करके। क्यों कहता था दूसरे लड़के से बात करने? रखने का मन नहीं था, फंसाएंगे तुमको। वो कौन लड़का था जिसे वो बता? उसका वो बताता नहीं था नाम, बोलता था हम ही न मार देंगे, हम बोले हम कभी लेवे नहीं थे। पैसे की भी मांग करता था, पैसे की भी मांग करता था। 1 लाख रुपया पैसा भी मांगा था। आज कहाँ है बुजुर्ग? तो ये केस आज कहाँ आए थे, किसके पास आए हैं फरियाद लेकर? डीआईजी के पास। कब केस किए थे? 5 तारीख 6 महीना 2019। क्या चाहते क्या आप ये बताइए तो पूरा? आप क्या चाहते हैं? हम रहने के लिए चाहते हैं उन्हीं के साथ। हाँ वो तलाक देगा तभी हम उसके साथ रहेंगे। अभी वो किनके साथ रह रहे हैं? हम घर में रह रहे हैं 8 महीने से, मेरा अब्बू ओनी से लेने वहाँ धर के चला गया था लेने के लिए। जब आपके पति किसके साथ रह रहे हैं? वो दूसरी पत्नी के साथ। क्या नाम है पति का? मोहम्मद रब्बानी अंसारी, गुफरान की बेटी है, उसी से शादी करी से 2 तारीख। कहाँ का रहने वाला? वो पश्चिम महला पुरैनी। आपका क्या नाम? पति का क्या नाम है? मोहम्मद रब्बानी अंसारी। आपका क्या नाम है? अमरुन निशान। घर कहाँ आपका? घर राधा नगर। कहाँ? थाना सजावर जिला भागलपुर पोस्ट के। पापा का नाम? मोहम्मद शराफत अंसारी। नवगछिया में ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने मनाया शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस के अवसर पर नवगछिया के राजेंद्र कॉलोनी एकेडमी में ताइक्वांडो खिलाड़ियों के साथ ताइक्वांडो प्रशिक्षक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी फाइटर जेम्स के नेतृत्व में शिक्षक दिवस मनाया गया। मौके पर खेल प्रेमी रामसेवक भगत, गौतम यादव, खिलाड़ी मुनि कुमारी, प्रियांशु, मोहम्मद नाजिम, अभिनंदन कुमार, मीनाक्षी कुमारी, सोनाक्षी कुमारी, सालू कुमारी, अनन्या कुमारी, तानिया कुमारी, तन्मय, हर्ष, प्रिया कुमारी, शिवम, हरिओम, अर्जित, दीप्ति कुमारी आदि मौजूद थे। सोशल मीडिया के माध्यम से बना शिक्षक दिवस। शिक्षक का बच्चों के भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक शिक्षक के बिना छात्र का जीवन अधूरा रहता है। स्कूलों में इस दिन तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और शिक्षक छात्रों को संबोधित करते हैं, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद है, जिसकी वजह से छात्र इस साल शिक्षक दिवस स्कूल में नहीं मना पा रहे। जिस तरह कोरोना काल में अन्य समारोह मनाए जा रहे हैं, उसी तरह शिक्षक दिवस भी मनाए गए। गौरतलब है कि स्कूल बंद होने की वजह से ऑनलाइन क्लास चलाए जा रहे हैं, उसी तरह शिक्षक दिवस भी ऑनलाइन मनाया गया।
नवगछिया के मॉडर्न वैभव पब्लिक स्कूल के संचालक सह प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष विश्वास झा ने बताया कि छात्रों ने फोन एवं सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षक दिवस पर शुभकामनाएं दी। नवगछिया के सावित्री पब्लिक स्कूल में मनाया गया शिक्षक दिवस। नवगछिया के सावित्री पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस के अवसर पर एक सादे समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मौके पर स्कूल के निर्देशक राम कुमार साहू, सचिव कृष्ण कुमार साहू, प्राचार्य जरीन बहाव, शिक्षक सुरेश सिंह, रुक्मिनी कुमारी, अजीत कुमार, संजीव झा, दिवाकर चौधरी, पंकज कुमार, नवरतन गुप्ता सहित कई अन्य उपस्थित थे। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड, माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736-80 8225-6905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, शीशम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979-8500-79 7549-6838-88 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773 9303-67-170। नवगछिया में मास चेकिंग अभियान में 59 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया SP स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान में बिना मास्क के 59 लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 2950 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं इस अभियान में 2 वाहन से 2000 रुपए भी जुर्माना वसूल किया गया। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में प्रसव के लिए आने वाले मरीजों से होती है अवैध वसूली, शिकायत मिलने पर SDO ने ANM को दी चेतावनी। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में प्रसव के लिए आने वाले मरीजों से प्रसव के नाम पर ANM के द्वारा धड़ल्ले से अवैध वसूली की जा रही है। मरीजों से अवैध वसूली की जाने की शिकायत मिलने पर शनिवार को नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने अस्पताल के ANM को अपने कार्यालय में बुलाकर तत्काल चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आप लोगों की यह पहली शिकायत मिली है, इसलिए आप लोगों को एक मौका दिया जा रहा है। आगे शिकायत मिली तो आप लोगों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि इन दिनों अस्पताल में प्रसव के लिए आने वाले मरीजों से आर्थिक रूप से दोहन किया जाता है। 1000 से 1500 रुपए तक लिए जा रहे हैं। इस अवैध वसूली में मुख्य रूप से 3 ANM के नाम सामने आए थे, जिसमें ANM सुषमा, रूमा एवं सुजाता शामिल हैं। SDO ने कहा कि तीनों के संदर्भ में शिकायत मिली थी, तीनों को तत्काल चेतावनी दिया गया है। अस्पताल में अवैध वसूली की शिकायत अगर आगे से मिलती है तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया, मजदूरी करने पति गया दिल्ली, पत्नी ने देवर से रचा ली शादी। नारायणपुर प्रखंड के जयपुर चूहर पश्चिम पंचायत के शाहपुर चौहद्दी गांव में शनिवार की सुबह मजदूरी करने दिल्ली गए पति की गैर मौजूदगी में पत्नी ने देवर से शादी रचा ली, जिसका सोशल मीडिया के कई व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियो वायरल हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि 8 माह पूर्व चौहद्दी निवासी दिनेश शाह के पुत्र रंजीत शाह ने फरवरी माह में
ओगरी जमालपुर में ब्यूटी कुमारी से शादी की थी। शादी के बाद पति मार्च माह में मजदूरी करने दिल्ली चला गया। इधर पत्नी ब्यूटी को देवर हजारी शाह के बीच प्रेम बढ़ गया। उधर पति लॉकडाउन के कारण 6 माह से दिल्ली में फंसे हैं। घर में 2 माह से लगातार अन्य परिजन आपत्तिजनक स्थिति में देवर भाभी को रंगे हाथ कई बार पकड़ा, जो खरी खोटी गाली गलौज के साथ मारपीट होने लगी, तो देवर भाभी ने साथ साथ रहने का फैसला कर लिया। मामला गांव के बुजुर्गों के बीच पहुंचा तो देवर भाभी जीने मरने की बात पर लड़की के सास ससुर एवं अन्य ग्रामीण की पहल पर दुर्गा मंदिर चौहद्दी में सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों ने शादी कर ली। उपस्थित लोगों ने दुर्गा माँ एवं बाबा भोलेनाथ की जयकारा के साथ वर वधु को आशीर्वाद दिया। नवगछिया, BSNL की लचर व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर अधिकारियों को भेजा लीगल नोटिस। BSNL मोबाइल की बदहाल व्यवस्था को लेकर नवगछिया अनुमंडल के ग्रामीण और शहरवासी के निरंतर शिकायत को देखते हुए नवगछिया SDO इंजीनियर अखिलेश कुमार के बिहाफ में नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता कैलाश प्रसाद यादव ने BSNL ऑफिस नवगछिया और BSNL GM भागलपुर को लीगल नोटिस भेजते हुए व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 1 सप्ताह का समय देते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की चेतावनी दी है। बात सामने आई है कि नवगछिया SDO ऑफिस आरक्षी अधीक्षक DSP कार्यालय एवं सभी थाना कार्यालय में BSNL नंबर उपयोग किया जाता है। पिछले 6 माह से BSNL सर्विस अच्छा नहीं चल रहा है। सभी सरकारी पदाधिकारी के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इसकी लिखित शिकायत कई बार SDO ऑफिस में किया है। बताते चलें कि दूसरी कंपनियों के सिम के बाजार का विस्तार तेजी से हो रहा है, तो दूसरी तरफ BSNL की लचर व्यवस्था के कारण इसके उपभोक्ताओं की संख्या लगातार सिमट रही है। मालूम हो कि पिछले दिनों GS न्यूज पर BSNL की लचर व्यवस्था से संबंधित विस्तार से रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। नवगछिया में सड़क दुर्घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को हुए सड़क दुर्घटना में पूर्णिया निवासी दिनेश मंडल पिता हरिलाल मंडल, परदेश मुनि पिता किलो मुनि, पंछी देवी पति गुलो मंडल एवं भागलपुर जिले के नारायणपुर निवासी प्रियंका कुमारी पति मनमोहन भारती, पंकज कुमार पिता गणेश चौधरी ढोलबज्जा निवासी एवं एक रामावतार प्रसाद पिता संतलाल भगत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दिनेश मंडल एवं रामावतार प्रसाद की स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। गोपालपुर, 10 लीटर देसी शराब बरामद, धंधेबाज फरार। गोपालपुर थाना के जमादार तारानंद रविदास ने गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर डुमरिया चपरगढ़ पंचायत के करचीरा गांव से छापेमारी कर गोपाल मंडल पिता दुखन मंडल के घर से 10 लीटर देसी शराब बरामद किया है, परंतु धंधेबाज गोपाल भागने में सफल रहा। जमादार तारानंद रविदास के बयान पर इस मामले में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। राहुल और शिल्पी के रहस्यमयी मौत का मामला, अब तक के पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं है राहुल के पिता। गोपालपुर थाना क्षेत्र के अभिया गांव में BMP जवान के पुत्र और BSF जवान की पत्नी शिल्पी के रहस्यमयी मौत मामले में राहुल के पिता प्रमोद मंडल समेत उनके परिजन अब तक भी पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं है। मालूम हो कि पुलिस को मिले सुसाइड नोट प्रयुक्त कॉपी और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर अब तक की कहानी यह है कि राहुल ने शिल्पी की हत्या कर खुद को गोली मार ली थी। हालांकि पुलिस अभी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, लेकिन दूसरी ओर अब तक हुए छानबीन के आधार पर राहुल के परिजनों का कहना है कि जांच पूरी तरह से अपारदर्शी है और 2 हत्याकांड के मामलों को पुलिस आत्महत्या बताकर केस क्लोज करना चाह रही है। इस क्रम में राहुल के चाचा अमित कुमार भारती ने नवगछिया SP को एक लिखित आवेदन देकर कई तरह के सवाल उठाए हैं और कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। अमित भारती का कहना है कि शिल्पी के ससुर अभिमन्यु ने दर्ज किए गए प्राथमिकी में बयान दिया है कि घटना की रात उसके घर में सिर्फ उसका दामाद गुड्डू ही मौजूद था, जबकि सच्चाई यह है कि घटना की रात उसके घर पर 8 लोग और थे, जिसमें करारी तिनतेंगा गोपालपुर के मदन मंडल, झौवा बहियार हिरनमार मुंगेर के पिंटू मंडल, जिसके साथ 4 और लोग थे। इस्माइलपुर थाना के लक्ष्मीपुर निवासी गुड्डू मंडल, राघोपुर खरी के पंकज कुमार भी थे। राहुल के चाचा ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि घटना की रात ये लोग वहां किस लिए पहुंचे थे और अभिमन्यु मंडल ने अपने बयान में सच्चाई को क्यों छुपा लिया है, यह जांच का विषय है। वहीं पूछे जाने पर SDPO ने कहा कि अभी पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। हालांकि प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर लग रहा है कि मामला आत्महत्या का है। फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य तथ्य आने अभी बाकी है। हर एक शख्स संदेह को दूर किया जाएगा।
दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736-80 8225-6905 या रजिस्टर करें msw.bihar.com पर। बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में, संपर्क करें 8340371787 732505247। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस। अब घर पर मंगवाकर खाएं सुंदरम का खाना, नौगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969-33-9666। हमारा पता है नौगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध है। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979-85-0079 7549-68388 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773-9303-67-170।